हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शमाज किचन। कैसे हो आप सब लोग? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आज किस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इंस्टेंट डोसा रेसिपी, जो कि परफेक्ट होने वाला है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ना ही स्किप कर सकते हैं, ना ही कुछ यू नो अनशन टाइप चीज़ खा सकते हो। मतलब इट शुड बी हेल्दी, ओके, एट द सेम टाइम क्विक भी होना चाहिए, फिलिंग भी होना चाहिए। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट डोसा, जिसमें मैं यूज़ करूँगी ऑलमोस्ट सारे ही आटे, सारे ही फ्लावर, लाइक रागी, चावल का, बेसन का आटा। बहुत आसान है बनाना। अगर आपके पास फर्मेंटेड डोसा बैटर नहीं है, सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया टू यू नो रिप्लेस योर फर्मेंटेड डोसा बैटर टू द इंस्टेंट डोसा बैटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं हाउ टू मेक दिस इंस्टेंट एंड यमी ब्रेकफास्ट, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ही पसंद आने वाला है। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। यहाँ मैंने एक बाउल लिया हुआ है, उसमें मैं डाल रही हूँ चावल का आटा, और जो भी रेशो लेना है वो इक्वल लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया है ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब चावल का आटा, उतना ही मैं यहाँ पर बेसन यूज़ कर रही हूँ, और सेम अमाउंट में यहाँ पर डाल रही हूँ रागी। आप चाहें, अगर आपको रागी पसंद नहीं है तो थोड़ा सा कम कर सकते हो, बेसन पसंद नहीं है तो वो कम कर सकते हो, चावल का पसंद नहीं है आटा तो आप वो थोड़ा सा कम कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स, बट मुझे जो रेशो ईजी लगता है वो यही लगता है। और जितना मतलब हाफ हाफ कप में अगर मैंने लिया है आटा, तो मैं डाल रही हूँ ऑलमोस्ट हाफ कप से और थोड़ा सा ज़्यादा, लाइक एक कप से कम, हाफ कप से ज़्यादा मैंने इसमें दही ऐड कर लिया है। दही यहाँ पर काम करेगा यू नो इसमें जो इंस्टेंट फर्मेंटेशन होता है बैटर में, वो लाने में, ठीक है, जिससे कि आपका डोसा थोड़ा सा फ्लफी बनेगा और सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा यू नो सॉफ्ट बनेगा और एक क्रंचीनेस भी आएगा उसमें। उसके लिए मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें लगभग 2 टेबल स्पून के करीब सूजी डाल रही हूँ। जो सूजी होगा वो पहली बात तो डोसे को क्रिस्पी करेगा और टेस्ट भी अच्छा देगा। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सूजी ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। डोसा बैटर जो होता है वैसी हमने इसकी कंसिस्टेंसी ले आनी है। लगभग मैंने इसमें 1 से 1.5 कप के करीब अभी इसमें पानी ऐड किया है। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अगर अभी आप मुझसे ये बोलें कि अरे अभी तो बोला था कि इंस्टेंट डोसा है, तो भाई जब आप रोटी सेकते हो तो भी तो आटे का थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हो ना, क्योंकि जितना अगर आप उसको रेस्ट कराओगे रोटी आपकी बहुत सॉफ्ट बनेगी। सेम होता है इस बैटर के साथ में, जब तक बाकी के आप सारे काम कर लें इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें, लगभग की लगभग 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट तक के लिए, दैट्स इट। और इसको ढक करके छोड़ दें। ट्राई करें कि इसको ठंडी जगह पर नहीं, थोड़ा सा गर्म जगह पर रख दें, जिससे कि अच्छे तरीके से ये जो सामान है इसमें फूल जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हल्का सा जो है, अगर आपको लग रहा है कि डोसा बैटर जो है वो गाढ़ा हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और डाल सकते हैं। और जिस तरीके से हम जो डोसे का जो बैटर रेडी करते हैं वैसा हमको पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। अगर आपको जिंजर गार्लिक का पेस्ट पसंद है तो गो हेड, उसको डालिए। जैसा भी जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, ब्लैक पेपर डालना है वो डालिए, जो चाहिए। आप देख सकते हैं चुटकी भर भी यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा डाला है, जो थोड़ा सा इसको और फुलाने में यू नो राइज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इंस्टेंट डोसा है तो थोड़ा सा क्यों क्या होता है कि फिर वो ना कच्चा कच्चा सा डोसा अच्छे से सिक नहीं पाता, वो क्रिस्पीनेस नहीं आ पाती, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने यहाँ डाला है। उसके बाद बस हम डोसा बनाना स्टार्ट कर देंगे। तवे को बहुत अच्छी तरीके से पहले हम गर्म कर लेंगे, उसके बाद उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। ऐसा इसीलिए करते हैं जैसे कि तवा पहले तो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए टेम्पर, और उसके बाद जब पानी उसमें डाल करके टेम्परेचर लो करेंगे, उससे ये होगा कि जब आप डोसा बैटर उस पर डालेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड होगा। अदरवाइज होता है कि जब कभी कभी देखते हो कि जो डोसा बनाते हो आप, उसका जो लेयर होता है ना वो रोटी के तरीके से होता है, कहीं पर उठा कहीं पर यू नो चिपका हुआ, वो अच्छा नहीं दिखता। तो उसको प्रॉपर से एक परफेक्ट डोसा बनाने के लिए हम जो डोसे का जो टेम्परेचर, सॉरी तवे का जो टेम्परेचर है वो एक बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। बैटर को स्प्रेड कर दें, फिर जो हीट है उसको हाई कर दें। जब वो पूरा सूख जाए ऊपर का बैटर, तेल को उसके ऊपर, या तेल या घी या जो भी आपको डालना है आप स्प्रेड कर दें। अगर आपको ऑयल फ्री खाना है तो आप बिना ऑयल डाले भी बना सकते हैं, अच्छे तरीके से डोसा हट जाएगा और वो बन जाएगा। सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे, डोसे के जो तवा है उसको ठंडा करेंगे, बैटर स्प्रेड करेंगे, गोल घुमाएंगे, लेडल जो है इनसाइड से आउटसाइड के इनवर्ड टू आउटवर्ड की तरफ हम इसको यू नो रोटेट करेंगे, तो आपका जो डोसा है बहुत अच्छी तरीके से बन करके रेडी होगा। साइज आपके हिसाब से देख सकते हैं, छोटा चाहिए कि बड़ा बनाना है, और बस डोसा बन जाएगा। चाहे तो आप इसमें अंदर मसाला फिलिंग कर सकते हैं, स्टफ्ड डोसा बना सकते हैं इसको, मसाला डोसा है, कैसे भी। मैं प्लेन बना रही हूँ, आई प्रेफर कि मैं आलू ना खा करके 2 डोसे की जगह 3 डोसा खा लूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ, रादर देन यू नो आलू की स्टफिंग लेना।
और यस देखो आप मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है, मतलब फील करो नॉट देखो। तो बस ये मेरे जो है रागी का डोसा, बेसन का डोसा या मिक्स डोसा, इंस्टेंट डोसा, जो आपको बोलना है, बन करके हो गया है रेडी। एक बार ही आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ब्रेकफास्ट में खाएं, बच्चों को आप लंच या डिनर कभी भी दे सकते हो, इवन तो आप भी खा सकते हो जब आपका मन करे, बट प्लीज़ एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरी चटनी और थोड़ा सा यहाँ पर जो टोमेटो केचप है घर का बना हुआ, उसके साथ में आप इसको सांभर या फिर जो कोकोनट चटनी है उसके साथ भी खा सकते हैं। सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई इन योर किचन एंड शेयर योर फीडबैक विद मी। दिस इज ऑल अबाउट दिस रेसिपी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।